संत कबीर नगर के सिमरियावा ब्लॉक के टीमा गांव में 5000 के बकरे की बोली 1.25 लाख तक पहुंच गई है। वजह, बकरे पर अल्लाह और मोहम्मद का अस्क उभर कर दिखाई दे रहा है। इस बकरे को बकरे के मालिक पड़ोस के गांव से महज 5000 रुपए में लाए थे, मगर बकरे पर अल्लाह और मोहम्मद शब्द के अस्क दिखाई देने के बाद बकरे की बोली अब 1.25 लाख तक पहुँच गई। क्या है 1.25 लाख के बकरे की असली कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नगर के सिमरिया ब्लॉक का टेमा गांव आजकल चर्चा में है। वजह है 1.25 लाख का ये बकरा। बकरे में खास क्या है, हम आपको बताते हैं। 1.25 लाख के इस बकरे पर अल्लाह और मोहम्मद लिखा है, इसी वजह से बकरे की कीमत 5000 से 1.25 लाख तक पहुंच गई है। बकरे के मालिक इस बकरे को बड़े ही लाड़ प्यार से पालते हैं। बकरा परिवार के साथ ही खाता और सोता है। बकरे के मालिक इस बकरे को पड़ोस के गांव से महज 5000 में खरीद कर लाए थे, मगर बकरे को घर लाने के बाद किसी मौलवी ने बताया कि बकरे पर अल्लाह और मोहम्मद लिखा है। तो फिर क्या था, बकरे को देखने वालों का तांता लग गया और बकरे के खरीदारों में बकरे को खरीदने की होड़ लग गई और मौजूदा समय में बकरे की कीमत 1.25 लाख तक पहुँच गई है। बकरे के मालिक की माने तो काफी दूर दूर से खरीदार आ रहे हैं। बकरा परिवार का हिस्सा बन गया है। के जानकार तस्दीक करते हैं कि बकरे पर अल्लाह और मोहम्मद साफ नजर आ रहा है। थुरंडा गांव में क्या पढ़ाते हैं? यही बच्चों को छोटे छोटे। तो क्या मदरसा है? जी हाँ मदरसा है। तो आप क्या हैं, हाफिज हैं? हाफिज है। हाफिज है जी। और कहा जा रहा है बकरे के बॉडी पे, बकरे के शरीर पे कुछ सेंटेंस उर्दू में लिखे। जी जी क्या है आप बताएंगे? जी सर, मैं देखा हूँ दाहिनी तरफ बकरे के जिसमें पर हाँ लफ्ज़ अल्लाह नज़र आ रहा है, जो साफ दिखाई दे रहा है। और क्या 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 क्या? और लफ्ज़ मोहम्मद भी दिखाई दे रहा है थोड़ा। अच्छा जी, अभी पता चला जो आपके पीछे बकरा खड़ा है, जो उसके बॉडी पे कुछ लिखा हुआ है, क्या है? हाँ देख रहा हूँ कि लिखा हुआ है अल्लाह, लिखा हुआ है। क्या 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 और क्या लिखा है? बस अल्लाह साफ नज़र आ रहा है, और जो भी नज़र आ रहा है वो साफ और नज़र नहीं आ रहा है। देखने में लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद भी लिखा हुआ है, मगर दाहिने बाजू पर बकरे के जो लिखा हुआ है वो अल्लाह हल्का फुल्का नजर आ रहा है, साफ आ रहा है। आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? पढ़ाते हैं। क्या? मदरसे में पढ़ाते हैं। बकरे के मालिक बकरे को परिवार का हिस्सा मानकर बकरे की देखरेख कर रहे हैं। बकरा परिवार के साथ खाना खाता है और परिवार के साथ ही सोता है। बकरे को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। बकरे को खरीदने के लिए भी खरीदार दूर दूर से आ रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि आगे वक्त किस तरह बदलेगा कहा नहीं जा सकता। मालिक जब बकरी को खरीद कर लाए थे तब शायद नहीं पता था कि इस बकरे की कीमत महज 5000 से 1.25 लाख तक पहुंच जाएगी। बकरे के मालिक को बकरे की कीमत बढ़ने की उम्मीद है। मालिक मानते हैं कि बकरा उनके परिवार के लिए वरदान साबित होगा और उनके परिवार की तरक्की और मजबूती मील का पत्थर साबित होगा। लाख देने वाले हैं, लोग आते हैं, दे के जाते हैं, बोलते हैं इस पे अल्लाह लिखा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है, दाहिनी शरीर पे, दाहिने बाजू, इसकी यही खासियत है। तो इसके लिए हम लोग देना नहीं चाहते हैं, अभी तक तो राखे हुए हैं। कहाँ से आप लाए थे इसको? लाए थे ग्राम परसोहिया से, सिमरिया बाजार के पास से। तो वहाँ तब नहीं पता, तब उस पे कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पे आया, बड़ा हो गया, पालते पालते तो उसको दिखाई दिया, कुछ लोग मौलाना लोग आके बताए कि इस पे अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसकी कीमत, इसके लिए कीमत बढ़ते जा रही है। साहब उसको हम देखे नहीं थे, कुर्बानी का समय जब आया पहली कुर्बानी में, तो उसको हम 1 साल घर पे पाले, 5000 का खरीद करके लाए, उसके बाद उसको देखे नहीं, हिंदू घर का था, खरीदे 5000 में। उसके बाद जब हमारे घर पे आया, कुर्बानी का समय आया, लोग खरीदने आए, कुर्बानी का टाइम उसका हो गया, तो लोग बोले कि इस बकरे को दे दो, तो कोई मौलाना आया, हमारा खास था, वो हमको बता दिया कि इस बकरे के ऊपर अल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, और इसके दाहिने तरफ कान पे भी है, सीने में भी है, और इसके दाहिने तरफ लिल्लाह भी लिखा हुआ है, और 5 जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लिखा हुआ है।
पांच जगह पे लिखा हुआ है और इसका रेट बोले इसका रेट बताइए। हम बोले हम क्या बोले हम कुछ समझ नहीं आता है। इस बकरी को अपने परिवार के लिए वरदान मान रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये है कि इस बकरी की कीमत कहां तक पहुंचती है और इस बकरी का मालिक कौन होगा, ये तो भविष्य ही तय करेगा। संत कबीर नगर से कैमरामैन मोहम्मद हुसैन और अशोक कुमार के साथ हेमंत सिंह की रिपोर्ट।